नवाचारों के शहर इंदौर में फिर एक नवाचार होने जा रहा है, जहां पिछली बार की तरह एक बार फिर पूरा शहर 22 सितंबर को नो कार डे मनाएगा। इस दिन BRTS को एक दिन के लिए कार फ्री जोन करने की तैयारी की गई है। शहर को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने और एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के उद्देश्य से मनाए जा रहे नो कार डे को लेकर नगर निगम तैयार नजर आ रहा है, जहाँ महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर वासियों को नो कार डे मनाने को लेकर खास अपील की है। देखिए खास रिपोर्ट। 22 सितंबर को इंदौर मनाएगा नो कार डे। BRTS पर बिना कार के चलेंगे इंदौरी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में होगा सुधार। साल 2023 से शुरू हुए नो कार डे का असर कुछ इस तरह का रहा कि पिछले साल एक दिन में लगभग 80,000 लीटर ईंधन की बचत हुई थी। वहीं शहर का QS लगभग 18 अंक सुधरा था। इतना ही नहीं, शहर में कुल कारों की तुलना में 12% कारें सड़कों पर कम निकली थी। वहीं अब की बार भी पिछले साल की तरह ही नो कार डे मनाया जाएगा, जहां अब की बार BRTS की मिक्स लाइन को इसके लिए चुना गया है। नगर निगम का मानना है कि नो कार डे से जहां पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते स्तर में कमी होगी, वहीं ट्रैफिक भी व्यवस्थित होगा। एक विजन के साथ बढ़ते हुए शहर के साथ पिछले 22 सितंबर 2023 को एयर क्वालिटी की दृष्टि से, ट्रैफिक के दबाव कम करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय नो कार डे होता है, इंटरनेशनल कार फ्री डे, या उसको इंटरनेशनल नो कार डे भी कहते हैं, ये UN से रिकॉग्नाइज्ड है 22 सितंबर। तो पिछले वर्ष भी इंदौर में प्रयास किया था नो कार डे मनाने का, जनता ने, अधिकारियों ने, सब संस्थाओं ने प्रयास किया। तो करीब मतलब ये जो पिछले साल की आपकी रिपोर्ट्स हैं और हमारे पास जो डाटा है उस आधार पर करीब 80,000 लीटर का ईंधन का उपयोग बचा, 14% कारें सड़कों पर कम आई, 15% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हुआ और लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता आई थी, इसलिए उस प्रयास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार दूसरे साल 22 सितंबर को नो कार डे मनाया जाएगा। इस बार BRTS को एक दिन के लिए कार फ्री जोन करने की तैयारी की गई है। इसके लिए आमजन को जागरूक करते हुए 3 दिन पहले से चौराहों पर लोगों से अपील की जाएगी कि वे एक दिन कार का उपयोग न करें। इससे पर्यावरण नुकसान कम होगा और ट्रैफिक दबाव भी घटेगा। महापौर की माने तो शहर में रोजाना करीब 4,15,794 कार और 3,992 टैक्सी चलती है। पिछली बार जब अभियान चलाया गया था तब एक दिन में 80,000 लीटर ईंधन बचा था। इस वर्ष भी 22 सितंबर को, मतलब आज तो 17 है, 5 दिन बाद इंदौर नो कार डे और कार फ्री डे मनाएगा। लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी ये प्रयास है, लोगों में जागरूकता लाने का काम है, लोग कार लेके ना निकलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, टू व्हीलर, साइकिल, ई रिक्शा। एक प्रयास हम जरूर इसमें करेंगे कि एक आध किसी रोड को सिलेक्ट करके पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ मिलकर उसको पूरा कार फ्री रखने का प्रयास करेंगे। तो ये धीरे धीरे इसको लेकर जब जागरूकता आएगी तो मुझे लगता है कि इसके एयर क्वालिटी की दृष्टि से, ट्रैफिक की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे परिणाम इंदौर को मिलेंगे। ये 4 विषय मुझे आपसे चर्चा करने थे जो मैंने आपके सम्मुख रखे। बहरहाल इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का नवाचार कितना रंग लाता है और क्या पिछली बार की तरह इस बार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।